हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हो आप सब आज हम मिर्च और अदरक का अचार बनाएंगे जो खाने में तो टेस्टी होता ही है बनाना भी बहुत आसान है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने मिर्च और अदरक लिया है सबसे पहले अदरक का जो छिलका है उसे निकाल लेंगे चाहे तो आप नाइफ़ की हेल्प ले सकते हैं चाहे तो इस तरह चम्मच की हेल्प से भी इसका छिलका निकाल सकते हैं जो चम्मच से भी आसानी से निकल जाता है जे देखिए सारे अदरक को हम इसी तरह साफ़ कर लेंगे जी हमने अदरक को अच्छे से साफ कर लिया है और मिर्च के डंडल निकाल लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है अब हम अदरक के पीस करेंगे जैसे भी हमें अचार के लिए चाहिए मैं सारे अदरक को इसी तरह पीसेस में कट कर रही हूँ जब मैंने अदरक को कट कर लिया है अब हम मिर्च में हल्का सा कट लगाएंगे आप चाहे तो इस साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं चाहे तो हल्का सा कट लगा सकते हैं जी मैं मिर्च में हल्का सा कट लगा रही हूँ जी मैंने सारी मिर्च को भी कट लगा लिए हैं अब हम इसके ऊपर एक नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन घंटे के लिए इसे हम धूप में रखेंगे जो धूप में रखने के बाद जो देखिए ड्राई हो चुके हैं और इसका कलर पिंक सा कलर आया है इसमें और जो देखिए कितने सॉफ्ट हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर नींबू डाला था इसलिए जो सॉफ्ट है काफी देखिए अब हम थोड़े से लहसुन की कलियाँ थोड़ा सा अदरक और मिर्च को ग्राइंड करेंगे चाहे तो आप ग्राइंडर से ग्राइंड कर सकते हैं मैं चिली कटर का यूज़ कर रही हूँ अब इन तीनों को ग्राइंड करेंगे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो इसमें इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ये अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है अब हम अचार का मसाला रेडी करेंगे इसके लिए एक पैन लेंगे और उसमें एक चम्मच जीरा डाला है मैंने आधा चम्मच मेथी दाना एक चम्मच सौफ डाली है और एक चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे इसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और हमें साबुत मसाले भी चाहिए इसके लिए हमने अजवाइन दाना, कलौची और सौंफ लिए हैं इसे हमें साबुत ही डालना है अचार में अब एक पाउल लेंगे और उसमें अदरक और मिर्च को डाल देंगे जे अचार खाने में बहुत टेस्टी बनता है आप बिल्कुल इसी तरह अचार बनाएं तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनेगा जय अचार अब इसमें ग्राइंड किए हुए लहसुन अदरक और मिर्च डाल देंगे जो साबुत मसाला था हमारे पास वो इसमें डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला भी डाल देंगे एक चम्मच खाने का नमक डाला है हमने आधा चम्मच काला नमक डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे अचार का कलर बहुत बढ़िया आ जाता है इसे तो अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें सिरका डालेंगे दो तो चम्मच इसमें सिरका डाल रही हूँ मैं अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे अचार हमें सरसों के ऑयल में ही बनाना चाहिए सरसों के ऑयल में जो अचार होता है ना काफ़ी टेस्टी बनता है तो जब भी अचार बनाएं सरसों के ऑयल में ही बनाएं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे हींग डालने से जो हमारा अचार है वो काफ़ी खुशबूदार हो जाता है जैसे मार्केट में अचार मिलता है बिल्कुल वैसा ही अचार हमारा बन जाएगा जब हम इसमें हींग डाल देंगे हींग से टेस्ट तो अच्छा आता ही है इसकी खुशबू भी बहुत बढ़ जाती है अचार की इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम एक कंटेनर लेंगे जो हमारे पास कांच का कंटेनर है इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए अच्छे से सुखा लें इसे अब इसे थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लेंगे इसे घुमाते हुए सभी ओर से ग्रीस कर लेंगे ऑयल को अचार हमें कांच के कंटेनर में ही रखना चाहिए इससे हमारा अचार काफ़ी लंबा चलता है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ये अच्छे से ग्रीस हो चुका है अब हम इसमें अचार डाल देंगे जो हमने अचार का बैटर रेडी किया है इसमें डाल देंगे जी देखिए कितना अच्छा कलर आया है अचार का जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं जो भी इनग्रेडिएंट डाले हैं ये सभी हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल हैं जो हमने इसमें मसाले डाले हैं सभी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं इसे सभी मसाले हमें इसमें डालने हैं जो अजवाइन होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है हमारे पेट की सभी बीमारी को दूर करती है सौंफ भी हम सभी जानते हैं कि जो हमारे खून को साफ करती है त्वचा में चमक लाती है और जो कलौंजी होती है वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है पेट की बहुत सी बीमारियों को दूर करती है मोटापे को कम करती है हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करती है ये सभी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और मेथी दाना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए सभी चीज़ों को हमें इसमें यूज़ करना है थोड़ा थोड़ा ये देखिए हमारा जो अचार है बिल्कुल बनकर रेड ही है जी देखिए कितना अच्छा कलर आया है अचार का अब हम अचार को ढक्कन से अच्छे से टाइट कर देंगे और दो से तीन दिन के लिए हम इसे धूप में रखना है धूप में रखने से हमारा जो अचार है बनके रेडी हो जाएगा जो देखिए इसमें काफ़ी ऑयल है जो देखिए इसलिए हमें और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है दो से तीन दिन की धूप के बाद हमारा जो अचार बनके रेडी हो जाएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ खा सकते हैं जो बहुत टेस्टी बनता है आप भी इस तरह अचार जरूर बनाइएगा गाइस और आपको जी मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग